केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय खिड़ाखान सिमलिया मोटर मार्ग का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बता दें कि भारी भूस्खलन होने से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और सड़क के बंद होने से करीब 200 गांवों में पूरी तरह से संपर्क कट गया है। इस सड़क का इस्तेमाल खिड़ाखान उखलकांडा से लेकर रीठा साहिब चंपावत और नेपाल तक लोग करते हैं। वहीं खिड़ाखान और आसपास के गाँव के लोग मोटर मार्ग टूट जाने से काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे और साथ ही किसानों की फल सब्जी मंडियों तक पहुंचने से खेतों में ही खराब हो रही है। मार्ग बंद होने से लोगों को मजबूरन पहाड़ पर पैदल चढ़कर जाना पड़ता है। तो मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि आर्मी के अधिकारियों से भी रोड को ठीक करने को लेकर बात की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर तेजी से काम किया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ऊपर से हमारी छोटी गाड़ियां निकल जाएं नदी में, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है जिस गति से काम चल रहा है कल तक ये मार्ग खोल दिया जाएगा ताकि कुछ सामान, दवाई, आवश्यक चीज़ें, दैनिक उपयोग की चीज़ें गांव तक पहुंच सकें। कोई अगर बीमार हो सकता है तो उसको हम ले आएँ। तो इसके लिए हमको 4x4 की जो हमारी जीप होती है, जीप ही इसमें आ सकती है नदी में। तो ये कोई पक्का बंदोबस्त नहीं है, ये तो है कि इमीडिएट हम क्या रेमेडी दे सकते हैं।